हैं उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है। स्पेशल पार्ट माजूर ना समझिएगा, स्पेशल पार्ट माजूर हर के साथ समझिएगा, उस सेंस में भी स्पेशल नहीं। पास बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, अब यहाँ पर मैंने देखा दो तीन बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ना इशारा में नहीं करते, लेकिन अगर उनको मैं इग्नोर कर दूँ दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन, उनको अटेंशन चाहिए ही चाहिए। इसके मुताबिक मैं सवाल किया, सवाल एक ट्रेनिंग सेशन था, एक बंदे से पूछा कि व्हाट्स योर नेम, नाम बता दिया। मैंने कहा जी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, वो भी बता दी। जब तीसरा सवाल मैंने किया तो मैंने कहा सर प्लीज नो मोर क्वेश्चंस, क्या कहा, अगर आपसे स्टूडेंट या टीचर या एक ट्रेनर आपके साथ आप इस रवैये से बात कर ले तो लाजी बात है बंदे को गुस्सा आता है, और हमारे सामने कोई बंदा बदतमीजी कर ले तो हम फिर वो पूरा आपका पूरा रिकॉर्ड हिस्ट्री उसका उनको बयान करना शुरू कर देते हैं ना, आपके पेरेंट्स ने आपको बात करने का सलीका नहीं सिखाया, फला नहीं किया वगैरह 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 वगैरह। मैंने कहा जी नो इशू एट ऑल, बैठ जाए। जब सेशन शुरू हुआ तो पहला सवाल मैंने उस बच्चे से उस बंदे से किया जो ट्रेनर था, मैंने कहा जी सर आप इसके मुताबिक क्या कहते हैं। वो बड़ा समझा कि मैंने इतनी बदतमीजी कर ली और सब मेरे से ही सवाल कर रहे। अच्छा जो बंदा आपके साथ है, जो बच्चा आपके साथ थोड़ा सा रूड बिहेवियर अपना ले, आई रिक्वेस्ट यू पीपल आप उनसे कभी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस ना किया करें। अगर आपने बच्चे को इनकरेज करना है बात करने के लिए, अगर आपने बच्चे को मोटिवेट करना है रिस्पॉन्स के लिए, उसके लिए कभी भी आप फैक्चुअल क्वेश्चंस ना किया करें। फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या है, पाकिस्तान कब बना था, आप उस बेचारे को 1947 का पता हो तो ना, उनकी डिफिनीशन क्या है उसमें रट्टा लगाया हो तो बता सकता है, अदरवाइज नहीं बता सकता। आप उनसे जो सवाल करेंगे वो ओपिनियन वाला करेंगे, कौन सा वाला, इसी तरह से जो स्लो लर्नर्स होते हैं जो मेन फोकस है हमारा, बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को थोड़ा देर से समझते हैं, तो आप उन बच्चों से वो सवाल कर लिया करें जिनका जवाब उनको आता हो। बीइंग अ टीचर आप एक साथ बच्चों के साथ होते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे कौन से वाले बच्चे को कौन से वाले सवाल का जवाब आता है। अब मेरा सवाल इनके लिए जो होगा वो डिफरेंट होगा, उनके लिए जो होगा वो सवाल डिफरेंट होगा, इनके लिए जो सवाल होगा वो सवाल डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का जवाब दे सकती है, ये किस चीज़ का जवाब दे सकती है, किस चीज़ का जवाब दे सकती है। सो आप कभी भी प्रॉब्लमेटिक बच्चों से फैक्चुअल क्वेश्चंस ना किया करें, क्योंकि शायद उनको ना आता। आप उनसे ओपिनियन क्वेश्चन किया करें कि बेटे इसके मुताबिक आप क्या कहते हो, जब ओपिनियन क्वेश्चन करते हैं ही विल फील मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड, वो रिस्पॉन्स देगा बड़ा खुश भी होगा। उस बंदे से जो है मैंने ओपिनियन वाला क्वेश्चन कर लिया कि आप बताएं सर इसके मुताबिक क्या कहते हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बयान करना शुरू कर दिया कि सर कैसे होता। दो तीन सवाल मैंने कर लिए, बंदा ठीक ठाक हो गया। जब सेशन मेरा ख़त्म हुआ, इस सवाल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो बाकी ट्रेनर थे मेरे पास आए, कहते तारिक साहब आपने क्या जादू किया इस बंदे पे, ये तो हमारे सेशन को खराब कर देता था, हम सवाल पूछ लेते उल्टा जवाब दे देता था, ऐसे जवाब देता था कि मतलब पूरा माहौल ही खराब हो जाता था। मैंने कहा कि इस बेचारे के साथ एक मसला था, ही वॉज नीडिंग बट स्पेशल अटेंशन, उस बेचारे के पास इलम बहुत था और आप लोग इग्नोर कर रहे थे, वो बच्चा कुछ कहना चाहता था और आप उनको मौका नहीं दे रहे थे। जब आप मौका नहीं दे देते तो फिर वो इस ताक में बैठा रहता था कि कब ऐसे मौका आए कि सर से वो सवाल मैं करूँ कि जहाँ पर इसको मैं पकड़ूँ। तो जब आप बच्चों को इग्नोर करते हैं तो फिर वो इस ताक में बैठे रहते हैं कि कब वो मौका आएगा कि आपको क्या कर लें, पकड़ लें। तो हर एक बच्चे को आपने क्या देना है, अटेंशन देना है, और स्पेशल बच्चों को तो स्पेशल अटेंशन देनी है। प्रॉब्लमेटिक लोग होते हैं उनको जब आप इग्नोर करते हैं, शरीफ बच्चे को इग्नोर करने इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, प्रॉब्लमेटिक को अगर आपने इग्नोर कर लिया तो राइट मोमेंट टू हिट, फिर आपके लिए क्लास को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आप लोग कोशिश कर दिया करें कि जिनको अटेंशन जिस तरीके से चाहिए वो अटेंशन दिया करें।